गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन एसबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट मैथ। यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्सरसाइज। टुडे आई टीच यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए जी पी इज ए एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इक्वल टू आर दैट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर आर कंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। इन एपी एपी में कॉमन डिफरेंस था डी कंटू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हियर सेकेंड टर्म माइनस अपॉन फर्स्ट टर्म आर कंटू। एग्जाम्पल टू 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 या फोर फोर टू या एट एट टू या सिक्सटीन मीन्स किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट नंबर एड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है और इसमें कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है। तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज जनरल फॉर वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म आर इक्वल टू कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। दिस इज एग्जांपल। अब nth टर्म ऑफ ए जी पी देखिए जनरल फॉर ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा लैम्डा ए आर क्यूब प्लस जी पी। तो देखिए ए वन इक्वल टू ए है तो कंटिन्यूस में लिखिए ए आर पावर वन माइनस वन। वन माइनस वन मीन जीरो तो ए ही आएगा। फर्स्ट टर्म ये हो गया सेकेंड टर्म ए टू इक्वल टू ए आर इसको लिखिए ए आर पावर टू माइनस वन टू माइनस वन ए आर बचेगा। थर्ड टर्म ए थ्री इक्वल टू ए आर स्क्वायर है तो कंटिन्यूस इसको लिखिए ए आर पावर थ्री माइनस वन। ए फोर इक्वल टू ए आर क्यूब है तो कंटिन्यूस ए आर पावर फोर माइनस वन डॉट 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 जनरल ए एन इक्वल टू जब वन है तो वन माइनस वन जब टू है तो टू माइनस वन जब थ्री है तो थ्री माइनस वन जब फोर है तो फोर माइनस वन जब एन है तो ए एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन ए पी। फार्मूला है nth टर्म ऑफ एन ए पी ए आर इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी जी पी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जी पी डिनोटेड बाई एस एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन व्हेन आर ग्रेटर देन वन। आर एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर व्हेन आर लेस देन। जब आपका कॉमन रेशियो वन से बड़ा होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, जब वन से छोटा होगा तो ये फार्मूला यूज होगा। दिस इज सम ऑफ एन टर्म ऑफ जी पी। फाइंड टेंथ टर्म। एग्जाम्पल फाइंड टेंथ टर्म ऑफ द जी पी ऑफ द जी पी 525 525 125 घंटा।
टेंथ टर्म, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे इसका टेंथ टर्म कौन सा आएगा, व्हिच विल बी टेंथ टर्म, कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म वी इक्वल टू 5, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5। ये देखिए सीरीज आपकी 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, 5 × 25 = 125 × 125। नेक्स्ट होगा 625 एंड एन इक्वल टू है 10, तो एन इक्वल टू यूजिंग एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन एन वैल्यू 10 तो ए 10, ए 10 मीन्स 10th टर्म, ए 5 आर 5 पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 5 × 5 पावर 9। वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो इसको पावर में यूज करेंगे, 5 पावर 9 की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी ना, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, करते हैं 5 पावर 9 की पावर और एक इसकी, तो 5 पावर 10, दिस इज आंसर 10th टर्म। तो सिमिलरली होमवर्क एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 1 और 2, होमवर्क एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दिस इज योर होमवर्क, सॉल्व एट होम, दैट्स ऑल।